जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन को लेके उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार सख्त है और वो आप सबके जीवन को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है लॉकडाउन का। लॉकडाउन को लेके आज हमारी संवाददाता मोहिनी ने की NH9 और आनंद विहार पर स्पेशल कवरेज, देखिए। नमस्कार, पब्लिकेशन न्यूज में आपका स्वागत है। 21 दिन के लॉकडाउन का आज 5वां दिन है और उसका असर सड़कों पर दिख रहा है। बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा फंसे हुए लोगों को उनके घर पहुंचाने की मुहिम सराहनीय है, पर इस पहल के बाद पिछले 2 दिन सड़कों पर बड़ी दयनीय स्थिति दिखी। लोग अपने घर जाने के लिए पैदल सड़कों पर निकल पड़े, तो इधर इस मुहिम के लिए सरकार द्वारा चलाई गई बसों का हाल देखने लायक था, जिसमें लोग बस के अंदर दरवाजे और खिड़कियों से भूसे की तरह घुसे जा रहे थे। इसको देखते प्रशासन और सरकार को महामारी का फैलता डर नजर आया, जिसके लिए इस अव्यवस्थित बंदोबस्त के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों और पूरे देश से माफी मांगी और इसके चलते सभी बॉर्डर्स पूरी तरह से सील कर दिए गए, CRPF के जवान तैनात कर दिए गए। मोदी जी सरकार, CRPF और प्रशासन के इस कदम से स्थिति नियंत्रण में है और लॉकडाउन पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ मोहिनी, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। इस वक्त मैं UP बॉर्डर NH9 पर खड़ी हूँ। कल के मुताबिक आज लोगों की संख्या कम दिखाई दे रही है। कल जो लोग बेसहारा होकर पैदल अपने गांव जा रहे थे, उनको सरकार द्वारा बसें उपलब्ध करा के भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस पूरा लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों को आगे जाने की इजाजत दे रही है, उनकी पूरी तहकीकात करके उन्हें आगे जाने दे रही है। आइए चलिए हम बात करते हैं। देख सकते हैं कुछ लोग पैदल चल के आ रहे हैं अपने छोटे बच्चे के साथ, तो आइए उनसे बात करते हैं। एक मिनट, आपका नाम? सोनू। तो आप कहाँ जा रहे हैं? यूपी। यूपी पैदल? पैदल नहीं, बस में जाएंगे। देखो अभी पता लगेगा, यहाँ पे तो जाने दे नहीं रहे। आनंद विहार तक पुलिस वाले भगा रहे हैं, इधर से उधर भगा। तो अभी आप आनंद विहार जा रहे हैं? हाँ जी। वहाँ से बस से कहाँ जाना है आपको? नानपारा। तो वहाँ तक आप अभी मतलब आनंद विहार जा रहे हैं, अगर वहाँ से बस मिलेगी तो आप अपने गाँव जाएंगे। हाँ। तो आप अपने बच्चों के साथ मतलब पैदल चल के जा रहे हैं? हाँ, पैदल चल के जाना पड़ा था, क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले गाड़ी में जाने नहीं दे रहे। तो कितनी दूर से आ रहे हैं आप अभी? अभी तो ये रहा सामने आ रहा है, 1 घंटा रास्ता है। नहीं, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। कोई खास वजह जिसकी वजह से आप गांव जा रहे हैं? हाँ, जा रहे बतला रहे बन पड़े, इसकी मम्मी की तबीयत खराब है, लड़की की, ये इसकी नानी की। आप किराए पे रहते अपना घर है? नहीं, किराए पे रहते। तो किराएदारों ने कोई परेशान मतलब मकान मालिक ने कुछ परेशान किया उसकी वजह से? कुछ नहीं दिक्कत किया उन्होंने, मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए मैं जा रही, दिल नहीं लग रहा था, घबराहट हो रही थी। आपका मेन रीजन था मम्मी की, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए आप जा रहे? हाँ, मतलब कर्फ्यू को लेके जो लॉकडाउन लगा इसका पूरे समर्थन में है? हाँ, इलाज भी चल रहा था, यही बच्ची का करा रही थी इलाज वहाँ पर, इसलिए जा रहे, बंद हो गया। आप लॉकडाउन को लेके पूरे समर्थन में है? सर, कल के मुताबिक आज का माहौल कैसे देखने को मिला है? आज तो शांति है, जो जाने वाले थे सब चले गए। आज तो मेरे बच्चों को कल चुका है हमारे आज। सर, जो थोड़े बहुत लोग आज चलते हुए नजर आ रहे हैं उनके लिए भी बसें पूरी उपलब्ध कराई हुई है, उन्हें आप बता रहे हैं कि हाँ कहाँ से बस मिलेगी क्या? नहीं, आज जैसे हमारे पास कुछ इतना है नहीं, बस कहाँ से आज तक। जैसा कि आप जानते हैं कि कल कौशाम्बी बस स्टैंड पर जो हालात देखने को मिले उसी का जायजा लेने के लिए आज 5वें दिन हमारी संवाददाता पूजा मिश्रा पहुंची कौशाम्बी, देखिए उनकी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। इस वक्त मैं खड़ी हूँ कौशाम्बी बस स्टॉप। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की संख्या बहुत कम है। इसी के साथ हमने अपनी रिपोर्ट में कल दिखाया था कि लोग कैसे जद्दोजहद भीड़ करके होड़ लगाए हुए अपने घरों को जा रहे थे, लोग बसों की खिड़कियों में घुसकर निकल रहे थे, उन लोगों को कोरोना का डर नहीं था, पुलिस प्रशासन पूरी मेहनत से जुटी हुई थी कि लोगों को एक दूसरे से दूर किया जाए। प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने रातों रात लोगों को बसें उपलब्ध कराई और उन्हें सुरक्षित उनके घर भेजा। आप देख सकते हैं कौशाम्बी बस स्टॉप पे कोई चुनिंदा लोग ही आपको नजर आएंगे। सरकार की इस पहल की वजह से लोग अपने घर जा पाए हैं। बस स्टॉप पे नगर निगम के अधिकारी बैठे हैं, चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम?
पानी की व्यवस्था, सप्लाई की व्यवस्था, खाने की, क्या अग्रवाल से बात करेंगे कि कल के मुताबिक आज की स्थिति कैसी है? सर, जैसा कि कल हमने देखा था, लोग यहाँ पे बसों की खिड़कियों से अंदर जा रहे थे, तो आप आज की स्थिति बता सकते हैं? आज खाली है, जहाँ पर कोई भी पैसेंजर या कोई भी जाने वाला के लिए नहीं है, टोटल बस स्टैंड खाली है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नगर निगम के द्वारा सफाई कराई जा रही है, जो पहले करा दी गई थी लेकिन अब फाइनल रूप से कराई जा रही है, और कोई भी इंसान यहाँ पर जाने वाला या लेडीज जेंट्स बच्चा एक भी नहीं है, टोटल बस स्टैंड खाली है, एक भी बस नहीं। तो जब लोग यहाँ से जा रहे थे अपने घरों को, तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद थी, तो उनकी सुविधा को कितना ध्यान में रखा गया था? सुविधा को पूरा ध्यान रखा गया, यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी कराई गई थी, खाने की व्यवस्था कराई गई थी, काफ़ी स्वयंसेवी संस्थाएं नगर निगम के द्वारा 1,00,000 पैकेट करीब यहाँ पर खाने का बंटवाया गया। पानी के लिए हमने 5 ट्रैक्टर गंगा जल के खड़े किए हुए और वो निरंतर पानी की सप्लाई करते रहे। किसी तरह की पूरा प्रयास किया गया, किसी तरह का किसी भी यात्री को, व्यक्ति को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा पूरा ख्याल रखा गया। नगर निगम में नगरायुक्त साहब ने खुद इसको डायरेक्शन देके और खुद उनकी सुपरविजन में ये सब कार्य चल रहा है, इसमें समस्त नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी अपनी मेहनत और पूरा प्रयास कर रहे हैं जिससे किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। सर, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद है कुछ पुलिस प्रशासन, चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, जो लोग घर जा रहे हैं उनको आप क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं? देखिए, ये काम तो प्रशासन के लोग ही बेहतर बता पाएंगे, जो उच्च अधिकारीगण हमारे हैं इस बारे में आपको नहीं बता पाएंगे, जो हमारे प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं इस बारे में आपको वही बता पाएंगे। सर, कल के मुताबिक आज की कैसी स्थिति आपको नजर आ रही है? आज तो स्थिति ऑलमोस्ट नॉर्मली है, और यहाँ पे तो कौशाम्बी बॉर्डर तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, और यहाँ बस स्टॉप भी पूरी तरह से बंद है। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।